दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगदीश यादव, एक फोटो जर्नलिस्ट हूं। पिछले 40 वर्षों से विभिन्न अखबारों में मैंने काम किया है। अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ बांग्ला का सबसे बड़ा अखबार आनंद बाजार पत्रिका में भी फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने का मुझे मौका मिला है। शुरू के 24 वर्ष जूनियर फोटोग्राफर से लेके चीफ फोटोग्राफर तक और उसके बाद के 16 साल मैंने फोटो संपादक के रूप में तकरीबन आधा दर्जन अखबारों में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मेरे इस कार्यक्रम परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से फोटो जर्नलिस्टिक अप्रोच ही नहीं बल्कि तमाम फोटोग्राफी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करूंगा। प्रमुख अखबारों में छपी तस्वीरों का रिव्यू करूंगा, देश दुनिया की टॉप पिक्चरों पर बात करूंगा और अखबारों के पन्नों पर लगने वाली कमजोर तस्वीरों से हो रहे अखबार को नुकसान की पर भी बात करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं दिल्ली से प्रकाशित कुछ प्रमुख अखबारों में छपी तस्वीरों की। आज के सभी अखबारों में कल आए 10वीं के परीक्षा परिणाम को अच्छी कवरेज मिली है। सभी अखबारों ने अपनी खबरों के साथ तस्वीरों को भी ठीक जगह दिया, लेकिन एक त्रुटि जो खटक रही है वो यह है कि एक ही स्कूल के तकरीबन आधा दर्जन छात्राओं की तस्वीरें उनके ग्रुप में, उनके मूड की, उनके हाव भाव की तस्वीरें सभी अखबारों में दिख रही हैं। यानी कि यह परीक्षा परिणाम का एक इवेंट बना करके एक पर्टिकुलर स्कूल ने यह कार्यक्रम कराया ताकि मीडिया में कवरेज मिल सके। मिल भी गई है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए था? हमें यह करना चाहिए था कि चूंकि सभी फोटो जर्नलिस्ट एक दूसरे को जानते पहचानते भी हैं और कार्य के दौरान मिलते भी हैं, तो जब वो देख रहे हैं कि तमाम अखबारों के फोटो जर्नलिस्ट एक जगह आकर एक ही छात्राओं की तस्वीरें शूट कर रहे हैं, तो ऐसे में एक समझदार फोटो जर्नलिस्ट का दायित्व तो होता है कि अपनी अलग तरीके से पेश करने के बारे में गंभीरता दिखाए। कोई जरूरी नहीं था कि उसी स्कूल के प्रांगण में शूट होती। ऐसा भी हो सकता था कि अन्य छात्र छात्राओं के घरों में जाकर उनके पेरेंट्स के साथ, उनके रिलेटिव के साथ उनकी मूड शॉट को भी अखबार में दिया जा सकता है। परेशानी इस बात की दिखती है कि जिन लोगों की आदतें हैं एक से अधिक अखबार पढ़ने की, उसके मनोभाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी चिंतन हम अखबार जगत के लोगों को करना चाहिए।